Okay, so very good morning everyone. Students, this is your chapter number 4, History. And the name of the chapter is Travels, Depots and the Vision of a Golden Age. So, अब आप देखो chapter की heading Travels है, Depots है, यानी in this chapter आप पढ़ने जाएंगे ट्रेवल्स के बारे में, ट्रेवल्स डिपोज और गोल्डन एज. गोल्डन एज का एक उन लोगों ने ड्रीम देखा था ट्रेवल्स ने, उसके बारे में अभी क्या होने वाला है. पहले हमें इंट्रोडक्शन मतलब अभी आप समझेंगे इस चैप्टर में. अब देखो मेजर कॉन्सेप्ट्स है इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन समझ लो चैप्टर में क्या है. ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ द ट्राइबल्स, जब हम ट्राइबल्स को पढ़ेंगे तो हमें ये जानना होगा कि उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या था, क्या काम करते थे ये ट्राइबल्स के. कौन चेंज इन देयर लाइफस्टाइल अंडर द ब्रिटिश, और जब ब्रिटिश एडमिट होता है इंडिया में तो उनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ रहा है, क्या वो वही ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कर रहे थे. इफेक्ट ऑफ सब चेंजेस कंडीशंस ऑफ ट्राइबल चीफ्स ऑफ जू, और जो चेंजेस हुआ उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा. ट्राइबल चीफ्स जो ट्राइबल सरदार थे चीफ्स के, ऑफ झूम कल्टीवेशन ऑफ ट्रेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा इफेक्ट जो चेंज हुआ था ये सरदारों का क्या, झूम कल्टीवेशन पे क्या चेंज आया, ट्रेड पे क्या है और एम्प्लॉयमेंट पे क्या. ट्राइबल का रिवेलियन अंडर बिरसा मुंडा एंड अदर रिवोल्ट्स एंड लास्ट इज योर एल्सवेयर. सो हियर दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हैड द ट्राइबल रिवेलियन बीन सक्सेसफुल. ट्राइबल्स ने भी रिवेलियन किया, वॉज इट सक्सेसफुल. हाउ विल बी द लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स ड्यूरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो. एट प्रेजेंट ट्राइबल्स की वही लाइफ है जो वो ऑक्यूपेशन करते थे ट्रेडिशनल, आज भी वैसा ही करते हैं. उनकी लाइफ में प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चेंज है. रिशो पे अटेंशन रिशो. ओके, लर्निंग आउटकम क्या क्या सीख लोगे इस चैप्टर के बाद. आफ्टर लर्निंग टू लिस्ट अ फ्यू मेजर ट्राइबल ग्रुप्स, आप यू विल बी अवेयर. आप ट्राइबल ग्रुप्स की लिस्ट बनाओगे जाके एंड लोकेट देयर एरियाज, लोकेशन मैप लोकेशन टू डिस्क्राइब द मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया. आप उनका ट्राइबल ग्रुप की नेम्स लोकेशन इंडिया मैप पे समझ लो कि कैसे करना है. आगे उनके जो अनदर जो होंगे मेजर ऑक्यूपेशंस हैं ट्राइबल्स के, वो यूरोपियन के आने से पहले वो क्या काम करते थे. टू डिस्कस द प्लाइट ऑफ ट्राइबल पीपल, उनकी जो प्लाइट थी उनकी जो हालत थी उस समय उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टू डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज अगेंस्ट द डिपोज, ये डिपोज जो थे ये आउटसाइडर थे जो इंडिया में आए थे जैसे यूरोपियंस ब्रिटिश, तो उन डिपोज के अगेंस्ट हुए ट्राइबल कम्युनिटीज के जो स्ट्रगल उसके बारे में देखेंगे. अचीवमेंट ऑफ बिरसा मुंडा, अब ये जो बिरसा मुंडा कौन थे. एंड टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द लाइफ ऑफ द ट्राइब्स, डिफिकल्ट टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है. स्लीपर, स्लीपर क्या होता है आप ट्रेन में देखते हो, स्लीपर वो नहीं जो जिसपे आप सोते हैं, सोने वाली जो सीट होती है. स्लीपर इज हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड अप टू आयरन, ये जो आपकी आयरन की ये लाइंस बिछी हुई है उसके बीच में जो ये वुड लकड़ी का ये जो प्लैंक लगा हुआ है जिस पे रेलवे लाइंस लेटती गई है बिछाई गई है, दिस इज नोन एज स्लीपर. दिस इज बेवार, दिस बेवार अ टर्म यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ठीक है, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जो टर्म मध्य प्रदेश में यूज होता है, झूम खेती जो वो लोग करते हैं तो उसको बेवार बोलते हैं. Fellow, a field left uncultivated for a while so that the soil recovers fertility. Class, जो भी points, difficult terms या जो important questions हैं अभी इस PPT को लेने के बाद आपसे इसमें से बहुत सारे questions बनाए जाएंगे. ठीक है, चाहे वो MCQ के form में हो, worksheet जो भी होगा आपको मिलेगा, तो आप अच्छे से एक टर्म को क्लियर समझो पहले. Fellow, a field left. फेलो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था एरेबल लैंड इन ज्योग्राफी चैप्टर, है ना, एग्रीकल्चर पढ़ा था. तो फेलो इज अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड,
महुआ अ फ्लावर दैट इज ईटन और यूज्ड टू मेक एन ओवल. अब देखो ये जो है आपका महुआ है और ये यही है आपका महुआ. ये महुआ है, ये फेलो लैंड है ना. ओके नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टर्म. वैष्णव क्या है? विष्णु के वर्षिपर को वैष्णव बोलते हैं. एंड साल इज नेम ऑफ अ ट्री. ये जो पेड़ है ये डिफिकल्ट टर्म्स में डिकूज आउटसाइडर्स मोस्टली मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स हू एक्सप्लॉइटेड द ट्राइबल्स. ट्राइबल्स एक्सप्लॉइटर्स जितने भी थे वो सब डिकूज थे. ना केवल आउटसाइडर ही बल्कि अपने इंडिया में रहने वाले भी छोटे छोटे ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स थे. ब्रॉडकास्टिंग मीन्स स्कैटरिंग सीड्स इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. सीड्स को स्प्रेड करना, स्कैटर करना, फैलाना. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दैट इज यूज झूम कल्टिवेशन जिसको हम लोग स्लैश एंड बर्न मेथड कहते हैं. ये आप एग्रीकल्चर में पढ़े हो. प्लांटेशन मीन्स एंड स्टेट ऑन विच क्रॉप्स सच एज कॉफी शुगर एंड टोबैको. ये भी आप पढ़ चुके हो. सरदार मीन्स लीडर. ठीक है. एक्टिविटी वर्ड मैच द पिक्चर विद द वर्ड इन ब्रैकेट्स. प्लांटेशन ब्रॉडकास्टिंग ये मैच करने का है. ट्राइबल्स डिक्यूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन ए वन गोल्डन एज. And part one is general introduction. So this is some tribal groups of India. Gadis, Gadujaras, Bhotias, Saharias, Banjaras, Bairas, Santhal, Koyas, Kon, Mala. ये सारे around 30 tribal groups हैं. Gadis आपके हिमाचल प्रदेश में. तो आप हिमाचल प्रदेश का इंडिया के स्टेट पे आपको बताइए आप हिमाचल कहाँ पे है. जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे दिस इज योर हिमाचल प्रदेश एंड दिस इज द ट्राइबल गैडीज ट्राइब. क्लियर? गैडीज गैडीज बोले तो हिमाचल प्रदेश. ठीक. गैडीज के बाद जो दूसरे आते हैं वो है आपका वेल गुजारास. ये भी हिमाचल प्रदेश में है यानी कि हिमाचल में गैडीज है और वेल गुजारास है. भोटियास उत्तराखंड यूपी के पड़ोसी जो है उत्तराखंड यहाँ पे आपको मिलेंगे कौन भोटियास. क्लियर. सहारास ये है भोटियास उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश गुजर. भोटियास उत्तराखंड सहारियास एंड विल्स. सहारा डेजर्ट अफ्रीका वाला नहीं थार डेजर्ट राजस्थान वाले में सहारियास पाए जाते हैं एंड विल्स ऑफ राजस्थान. विल्स राजस्थान सहारियास राजस्थान. नेक्स्ट इज बंजारा डेक्कन. डेक्कन यानी कि महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र में आपके मिलेंगे बंजारास जो घूमते फिरते गाते फिरते रहते हैं. तो बंजारास को बॉलीवुड हीरो से याद रखना बंजारास ऑफ डेक्कन. सहारियास मैंने बताया सहारा डिजर्ट है तो यहाँ पे याद रखना सहारा और दूसरा जो है भील. तो भील कौन है? सहारा और भील एक साथ है राजस्थान में. बैगास एंड बोन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. बैगास बी फॉर बैगास बी फॉर बंजारास. बंजारास यहाँ भी है एंड जी फॉर गोल्ड. क्लियर. ये सारे ट्राइबल एरियाज के हैं. ये आपके पड़ते हैं मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया. संथालास ऑफ झारखंड एंड बंगाल. अब वेस्ट बंगाल आ जाओ तो यहाँ आ जाएंगे संथाल. संथाल झारखंड और वेस्ट बंगाल में. कोयास ऑफ ओडिशा एंड तेलुगु स्टेट. कोयास कोया बंजारा ओडिशा एंड तेलुगु. तेलुगु बोले तो आंध्र प्रदेश. तेलुगु मीन्स आंध्र प्रदेश. लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश. कोयास वहाँ पे जो थी. खोट एंड कंधास ऑफ ओडिशा. ओडिशा आज भी देखो ओडिशा. ओडिशा क्या है वहाँ पे ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा है. तो ये इतने सारे ट्रैवल्स जो हैं ये सारे ओडिशा में ही हैं. बजारास बुंदास कांथा बैगास. ठीक है. माला रूलर्स ऑफ केरला इलास. माला इलास. खालसा ऑफ मेघालय एंड आसाम. नॉर्थ ईस्ट में दिस इज योर खासी एंड खालसा. खालसा भी है इधर. खासी से खालसा नहीं है खासी से. नागास ऑफ नागालैंड. नागालैंड में नागास एंड मिशीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. देखो क्या लिखा है मिशी जो भी है. क्लियर. तो दिस इज योर ऑल 12-13 kinds of tribals and their location. उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं. उत्तराखंड में भोटियास. क्लियर. डोगरिया कांथा कोन ट्राइब्स इन ओडिशा. ये ओडिशा की ट्राइब है डोगरिया.
इन ट्रैवल्स को आप देखिए सी द पिक्चर, आप देखिए उन्होंने फ्लावर्स को ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, फ्लावर्स को ज्वेलरी की तरह बना के पहना है। यहाँ पे ये जो ट्री लीव्स है उसको लेते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये इनके घर हैं ट्रैवल्स के, टी डांडियास कन्हा और डोंगिया कोच पीपल आर द मेंबर ऑफ कोर्ट्स कोर्ट्स ट्राइबल के ये लोग मेंबर हैं, डोंगिया कोच एंड डांडिया कन्हा। दे आर लोकेटेड इन द नियामगिरी हिल्स ऑफ ओडिशा, ओडिशा का ये है। दे सस्टेन देमसेल्फ फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ नियामगिरी फॉरेस्ट प्रैक्टिसिंग हॉर्टिकल्चर। काम क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मींस हॉर्टिकल्चर मैम ग्रेप्स की खेती, ग्रेप्स की खेती। और विटीकल्चर, व्हाट इज विटीकल्चर? मैम वेजिटेबल और फ्रूट्स, फ्रूट्स तो ये जो ओडिशा में रहने वाले नियामगिरी हिल्स पे ये रहते हैं, हिल्स पे और वहाँ पे लोकेशन है इनका, तो ये लोग ये काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, देन यू विल से प्रैक्टिसिंग हॉर्टिकल्चर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक। नेक्स्ट है व्हील्स, 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 ठीक है। ये वैष्णो, ये क्या है, कौन सी पिक्चर है, इसको समझते हैं। व्हील्स आर पॉपुलरली नोन एज द बो मैन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की बो मैन को व्हील्स कहा जाता है। बो मैन कौन होते हैं? जो तीर धनुष चलाने वाले तीरंदाज होते हैं, ठीक है, बो मैन। द नेम व्हील इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिलू और बिल्लू व्हिच मींस बो इन द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविडियन लैंग्वेज मतलब जो द्रविड भाषा के लोग हैं साउथ इंडियंस, ठीक, वो लोग बो बोलते हैं और उन्हीं को भील बना दिया। तो याद रखना भील्स जो थे वो बो मैन ऑफ राजस्थान, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ संथाल ट्राइब, संथाल ट्राइब, ठीक है, इन्होंने इतने सारे ज्वेलरी पहन रखी है। संथाल्स प्रिसाइड मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, तीनों पड़ोसी, और यहाँ पे रहते हैं संथाल। क्लियर? ये संथाल आप देखोगे अगर यहाँ मैप पे, दिस इज योर झारखंड एंड संथाल बंगाल और संथाल यहाँ बिहार में, क्लियर। देन द लाइवलीहुड ऑफ द संथाल्स रिवॉल्व अराउंड द फॉरेस्ट बिल्डिंग। संथाल्स कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में। हिल्स पे कौन रहते थे? अभी मैंने बताया हिल्स पे कौन थे, उड़ीसा के हिल्स पे, नियामगिरी हिल्स पे। विच ट्राइबल? हाँ मैम ब्रोकन करी, डंगरिया, कांगा, डोंगिया कोट, कोट ट्राइबल्स जो थे वो कहाँ रहते थे? उड़ीसा की नियामगिरी हिल्स, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद संथाल पोसेस द यूनिक स्किल इन मेकिंग द म्यूजिकल। अच्छा, संथाल जो थे फॉरेस्ट में रहते थे लेकिन दे हैव अ यूनिक स्किल्स इन मेकिंग द म्यूजिकल इक्विपमेंट्स मैट्स एंड बास्केट्स आउट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स से ये लोग बनाते थे म्यूजिकल इक्विपमेंट्स मैट्स और बास्केट्स। कौन बनाता था? संथाल तीन राज्यों में रहते थे, बिहार, बंगाल एंड झारखंड। द गोंड, गोंड कहाँ है? सेंट्रल इंडिया, बीच में आ गए, जी फॉर गोंड। गोंड ऑफ सेंट्रल इंडिया वे पावरफुल ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम, मेडिवल टाइम से ही ये लोग बहुत पावरफुल है। तो याद रखना मेडिवल टाइम, मेडिवल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ठीक है, एंड बिल्ड नंबर ऑफ फोर्ट्स, पैलेस, टेम्पल्स, टैंक्स एंड लेक्स, लेक्स नॉट लैक्स, लेक्स। मेडिवल टाइम्स एंड बिल्ड नंबर ऑफ फोर्ट्स, तो मेडिवल टाइम्स थे तो ये लोग फोर्ट्स बनाना चाहते थे, पैलेस बनाना चाहते थे, टेम्पल्स, टैंक्स एंड लेक्स। दे चैलेंज द ब्रिटिश इन सेवरल बैटल्स। अब देखो मेडिवल से आ रहे थे, पावरफुल है, इन लोगों ने ही चैलेंज किया था ट्राइबल्स में, क्लियर। Several battles under the colonial rule, the Gonds speak Gondi language mostly related to the Dravidian languages. Those who live in the northern parts speak Hindi. जो नॉर्थ वाले थे गोंड्स वो हिंदी बोलते थे।
थे साउथ इंडियन जो थे वो द्रविड़ियन लैंग्वेज बोलते थे. मोस्ट ऑफ द गॉड्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ हिंदुइज्म. क्लियर. हिंदुइज्म से दे वर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ हिंदुइज्म. वेन गुजारास, वेन गुजर्स, गुजर्स हैं, गुजर्स तो आज हरियाणा में रहते हैं. ठीक है, तो देखो ये आसपास ही है. वेन गुजर्स आपके हिमाचल प्रदेश में, पंजाब हरियाणा के पास नहीं है लेकिन हिमाचल. ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड इन उत्तराखंड एंड गुजरात. वन गुजर्स आर मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं ये आपके उत्तराखंड, यानी कि मैं आपको हिमाचल में दिखा दी थी ना, वन गुजर्स आर मोस्टली फाउंड इन उत्तराखंड एंड गुजरात. द वास्ट मेजोरिटी ऑफ गुजर्स आर मुस्लिम्स. इन लोगों में ज़्यादातर मुस्लिम है, ये इंपॉर्टेंट जॉब है, याद रखना. क्लियर. वन गुजर्स जो है, ये गुजर्स जो है ये आपके राजस्थान में भी है. ठीक है, नेक्स्ट बंजारास. आप देखो बंजारों की ये लोग जो है इतनी इतनी चूड़ियाँ पहन लेते हैं लोग. ठीक है, और इधर कान में भी इतना बड़ा लटका रखा है, ये इनकी ड्रेस है, साड़ी है. ठीक, बाकी ये सिंपल वही कपड़े पहने हैं जो फेमेल है. बंजारास लंबनीस वन बंजारी इन संस्कृत. बंजारा से याद रखना वन बंजारी, वन में चलने वाले, चालीस मतलब चलने वाले. ठीक है, वन में चलने वाले बंजारा याद रहेगा, बंजारा. ठीक, लंबनीस द लिविंग तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. ठीक है, बंजारा, बंजारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश. क्लियर, यहाँ भी एम एम से याद रखना, बी से बॉलीवुड याद रखना. बंजारास वन में चलने वाले. मोस्ट ऑफ देम फॉलो हिंदुइज्म. और मुस्लिम ट्रैवल्स कौन थे अभी मैंने बताया, विच ट्रैवल ग्रुप्स हियर मोस्ट. वन गुजारास, वन गुजारास, वन गुजर्स, वन गुजर्स और ये बंजारा. ठीक है, ओके. खासी, खासी की बात करते हैं तो खासी, खासी ये आपका पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में. इधर देखो खासी मेघालय. देखो नॉर्थ ईस्ट में तो एक काम, वन होमवर्क. व्हाट इज योर होमवर्क? लोकेट, होमवर्क लोकेट सेवन स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सेवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. राइट ऑन एवरीवन, दिस इज योर होमवर्क. लोकेट सेवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. नंबर वन एंड नंबर टू मैप वर्क, दिस इज योर मैप वर्क. नंबर टू इज ये ट्राइबल्स एंड देयर लोकेशंस, इनको आप लोकेट करोगे. क्लियर, ठीक है, ओके. खासी पीपल आर एंड इंडिजिनस. इंडिजिनस मतलब देसी लोग होते हैं, इंडिजिनस. एथनिक ग्रुप ऑफ मेघालय एंड आसाम. तो ये इंडिया है और इसके सर पे है क्या, मेघालय, खासी. ये बांग्लादेश के ऊपर ही है, इंडिया नहीं बेटा, बांग्लादेश के ऊपर ही आपका खासी है. क्लियर, ठीक है. अराउंड 85% ऑफ खासी पॉपुलेस हैव इम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी. इनकी इनकी क्या है सबसे बड़ी बात, क्रिश्चियनिटी. खासी ने क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट कर दिया. ओके, नेक्स्ट इज ये मेघालय एंड आसाम से 85%. ओके, सेंटीनेलीज एंड जरावास. अब ये क्या है इसको समझो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जब आप चले जाओगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा. देखो अंडमान निकोबार आइलैंड का नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, देखो दिस इज योर मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, लोअर अंडमान एंड दिस इज योर कोच ब्लेयर. This is Andaman Sea, blue part, and this is your green part, Little Andaman. देख रहे ना, अंडमान निकोबार आइलैंड को भी, अंडमान आइलैंड्स को भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. निकोबार आइलैंड, उसी के नीचे एक और आइलैंड है, दिस इज योर कार निकोबार, ग्रीन वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट, दिस इज योर वाटर एरिया. ठीक है, कोई सी होगी यहाँ पे. निकोबार आइलैंड, तरासा, ये सारे आइलैंड है छोटे छोटे वहाँ पे. ये है आपका ग्रेट निकोबार. क्लियर, तो अंडमान निकोबार आइलैंड
लोग बैठे हुए हैं वहाँ के आइलैंड पे, ये लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्ट वन इंट्रोडक्शन, अब जो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था ये उसके बेस, जो हमने अभी पढ़ा था उसके बेस पे देखो। गोट कॉलम बी से आप मिलाओगे ये सारे ट्राइबल्स और उनकी लोकेशंस को। पार्ट नंबर टू, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, अभी तो हमने पढ़ा ट्राइबल्स एंड देयर लोकेशंस और उनके बारे में एक दो पॉइंट। इन पार्ट टू यू विल रीड अबाउट द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ द ट्राइबल ऑफ इंडिया बिफोर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड? यस, देन कॉलोनियल रूल टाइम पीरियड फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी मैम 1757। वेरी गुड 1757 फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी से तो शुरू हुई था कहानी, ठीक है। तो कह सकते हो कॉलोनियल रूल और ये खत्म कब होती है 1947 में, लेकिन वास्को डी गामा ने जो टाइम पीरियड जब इंडिया को ढूंढ रहा था दैट इज 1498 यानी 1500 से 1757 में पहली लड़ाई होती है, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल आप क्या कहोगे, 18th सेंचुरी कहोगे 19th 20th कहोगे? ये तो डिस्कवरी वाला टाइम पीरियड था, तो ये तो आए थे थोड़ा थोड़ा ऐसे हम ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अब देखो कॉलोनियल पीरियड में ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या था, तो ये चार तरह के काम, फोर काइंड्स ऑफ वर्क। झूम कर दी वेटर्स थे, नंबर वन हंटर गैदरर्स ट्राइबल्स वेयर, हंटर गैदरर्स ट्राइबल्स में हर्डर्स, हर्डर्स मतलब एनिमल्स को घुमा घुमा के उनसे उनको चराना। सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, और उसमें कुछ सेटल्ड भी थे, केवल घूम ही नहीं रहे थे, ठीक है, खेती भी कर रहे थे। झूम कल्टिवेशन घूमने वाली खेती, सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट जो सेट हो चुके हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्राइबल्स, झूम कल्टिवेटर्स दे फॉरवर्ड स्लैश एंड बर्न मेथड, आपको ये एक पता है झूम कल्टिवेटर्स में स्लैश एंड बर्न होता है। दे कट ट्रीज, अब आप प्रोसेस लिखिए, कट ट्रीज बर्न देम स्प्रेड द ऐश, जो वो निकलता था राख उसको फैलाते थे ऑन द लैंड व्हिच वुड सप्लाई पोटाश, वो ऐश फैलाते थे तो क्या निकलता था, पोटाश निकलता था, फर्टिलाइजर मिल जाता था सॉइल को। दे ब्रॉडकास्ट सीड्स इन द प्लेस डग विद हो, हो समझते हो जिससे जमीन को खोदा जाता है, वेन दिस सॉइल, तो ये ब्रॉडकास्ट करते थे, ब्रॉडकास्ट मतलब सीड्स को फैलाते थे इन द प्लेसेस जहाँ जहाँ वो डगिंग किए होते थे। वेन दिस सॉइल लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी दे ओवर इट टू द रैथ एंगर ऑफ देयर गॉड्स एंड वैकेटेड द एरिया, उस जगह को खाली कर जाते थे और अपने भगवान वगैरह को लेकर के वो वहाँ से चले जाते। दे मूव टू नेवर प्लेसेस विद इन द फॉरेस्ट कट्रीज एंड बॉर्न पे, न्यूअर प्लेस पे वो दूसरे किसी जंगल में चले जाते, आप जो क्लियरिंग वहाँ भी वही करते थे जो भी पहले वाले ने किया था, ठीक है। और अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो, उस फैलो लैंड को छोड़ के चले जाते थे सेवरल ईयर्स के लिए, क्लियर। ये आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन टू यू इन द नेक्स्ट इन द प्रीवियस बैक क्लासेस, क्लियर। ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्राइबल्स, तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया झूम कल्टिवेशन, सेकेंड इज हंटर गैदरर्स, द होल ऑफ ओडिशा वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स, मीन हंटर गैदरर्स थे, तो हंटर गैदरर्स होल्ड करते थे ओडिशा के कोंट, याद रखना ओडिशा के कोंट, डिवाइडेड मीट अमंग देमसेल्फ अपने में बांट लेते थे, जिसको कहा जाता था कम्युनिटी लिविंग, मतलब कि कम्युनिटी में इस तरह से रहना का एक बेस्ट एग्जांपल थे कोंट्स, क्योंकि ये लोग जो कुछ भी कलेक्टिव ये सब एक साथ जाते थे हंटिंग करके लाते थे और जब भी कुछ मिलता था तो आपस में बांट के खा लेते थे, दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कम्युनिटी लिविंग। They collected fruits, roots, nuts and cooked them for meals. Collect करते थे, केवल hunting ही नहीं करते, collect करते थे roots को, nuts को, cook करते थे। They extracted oil भी निकालते थे, यानी इनको पता था सब कुछ। Kistresses, sal and bahua seeds, मैंने आपको oil seeds के बारे में, I was giving examples
साल 3 से वो ऑयल निकालते थे एंड कुकिंग में यूज करते थे। आपको इतना तो पता होगा ना कि फॉरेस्ट से आपको क्या मिलता है, बताइए। फॉरेस्ट से फ्रूट मिलता है, आगे फ्लावर्स मिलता है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स
They use cash from their poor earnings. जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी for buying local products. Clear? अब आप देखो कुसुम का फूल जिससे ये कर सकते डाई, पलाश का फूल जिससे अबीर आदि जो अबीर वगैरह आप थोड़ी में यूज करते हो वो इन्हीं सब फूलों से निकल के बनाया जाता है. फूलों की जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हर्बल अबीर, हर्बल कलर, ठीक, गुलाब, ठीक है. तो ये ऐसी खेती होती है. ऑक्यूपेशन सभी ट्राइबल्स में आप आगे पढ़ोगे, यही हंटर गैदरर्स को हम कंप्लीट करते हैं. बट मेनी ऑफ देम लाइक द बैगास, अब जब बैगास आ रहे हैं सेंट्रल इंडिया के, वे आर नॉट विलिंग टू डू वर्क फॉर अदर्स, इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ बैगा. अब ये इनकी डिग्निटी के अंदर में नहीं था, ये तो काम हम नहीं करेंगे किसी दूसरे के लिए एक लेबर की तरह अपने घर बार को छोड़ करके. मतलब It was below the dignity of a beggar to become a laborer. ये लेबर नहीं बन सकते थे, बहुत सावधानी लोग थे. High self-esteem थी, living in his habitat, the forest. Clear? वो तो छोड़ना ही नहीं चाहते थे अपने habitat को, forest वाले. ये central India के रहने वाले थे. Clear? In the marketplace, the tribal people were cheated by the traders who look. अब देखो अभी तक तो फूल बटोर रहे हैं, लिकर बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही जाते थे marketplace, the tribal people were cheated, चीट कर लिए जाते थे by the traders. अब देखो डिफ्यूज वाला कॉन्सेप्ट आता है. ट्रेडर्स अपने ही लोग, अपने ही ट्रेडर्स who looked for use for profit. तुमको पता नहीं था तो इलिटरेट पीपल हैं, जंगल में रहते, पेड़ पौधे खाते पीते, इनको क्या करते हैं. सो बाय द ट्रेडर्स हु लुक फॉर यूज प्रॉफिट एंड बाय द मनी लेंडर्स, इन ट्रेडर्स एंड सेकंड इज मनी लेंडर हु इम्पोज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कैश, ठीक है, लेड टू द पुअर ट्राइबल्स. इनको कहते थे ले जा पैसा, ले जा, हम तुम्हें दे रहे हैं कैश, और उस पर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के देते थे. जब ये मार्केट में आते थे अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेचने के लिए तो दे वेयर चीटेड बाय दिस ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स बिकॉज ऑफ बाय इम्पोजिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पुअर ट्राइबल. सो द ट्राइबल ग्रुप्स कंसीडर द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स एज देयर एनिमीज एंड इवन आउटसाइडर. ये enemies and outsiders हैं. Occupations of the tribals will with this topic in the tomorrow class. All of you, is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes.